हरण महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग सह चार धाम पैदल यात्रा का आज मैं अपना 10वां ज्योतिर्लिंग पहुंचा था और वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये सामने काल भैरव का मंदिर है जहां मैं पहुंचा हूं और यहां की अद्भुत घटनाएं और ये सामने में दीप प्रज्वलित हो रही है संध्या आरती की और यह एक ऐसा भैरव मंदिर है जहां पर मदिरा चढ़ता है काल भैरव भगवान को और वो साक्षात उनको ग्रहण करते हैं और इसी दरमियान मुझसे मिलने यहाँ हनुमान जी आए हर हर महादेव जो रिलेशन में मेरे दामाद लगेंगे और लेकिन क्रिकेट के साथी हैं मेरे साथ में हम लोग क्रिकेट खेले हैं और इधर शिखा है और कैमरा मैन मिट्टी गौरव कुमार ये साथ में है काफी जबरदस्त जगह है अगर आप लोग महाकालेश्वर आए तो काल भैरव जरूर आए और यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गुफा है एक तप गुफा है राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन उनका तप गुफा है यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें हैं लगभग आपको अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आपको पूरा उज्जैन घूमने में कम से कम 15 दिन का समय चाहिए सारे मंदिर का भ्रमण करने में हर हर महादेव जय श्री प्रभु पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर और ये कॉरिडोर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बनाया गया और काफी भव्य दर्शन यहाँ का तो आइए आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ यहाँ महादेव का काफी बड़ा प्रतिमा 1, 2, 3 और तो दर्शन आप सभी वहाँ चल पा रहे इसी साल इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ महाकालेश्वर का कॉरिडोर और ये आप देख सकते हैं भव्य रूप कॉरिडोर का रेडी पहुंच चुके हैं कॉरिडोर से आगे और ये सामने और महादेव का लगभग सारा रूप यहाँ पर आपको मूर्ति के जरिए दिखाई देगा इस कॉरिडोर में यहाँ से शुरू कीजिए इस साइड से आप शुरू कीजिएगा यहाँ से भगवान की प्रतिमा जो अलग अलग रूप में महादेव है काल भैरव जी है काल भैरव काल भैरव के रूप है महाकाल के रूप हाँ वही 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 ये महाकाल का सारा रूप है इधर से जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ये अलग अलग रूपों में जो हमारे आदि देव आदि योगी इनसे बड़ा ब्रह्मांड में ना कोई योगी हुआ ना कोई तपस्वी हुआ ये देखिए ये काल भैरव के रूप में महाकाल रूप में यहाँ पर है और ये शंकर जी के रूप में है और आपको सारा जगह अलग अलग रूप मिलेगा और सबसे हटकर जैसे जैसे आप आगे आते जाइएगा इधर कॉरिडोर से आगे बढ़िएगा और इसके बाद आपको ये सामने में ये नटराज महादेव का एक ऐसा रूप जिसको देखने के लिए सभी तरसते हैं तो अगर ये स्वरूप को देखना है तो आप आ जाइए महाकाल उज्जैन में और यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग महाकाल सेतु की तरफ तो सेतु की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे बाबा तो ये महादेव का एक अलग रूप आपको यहाँ दिखाता हूँ जो सर पे माँ गंगा है और नीचे हमारे आराध्य महादेव और इस साइड इसमें स्नान करने के बाद यहाँ पर महादेव का दर्शन किया जाता है और ये इस भव्य रूप को देखिए इस साइड आगे इतना भव्य रूप आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा और इस भव्य रूप के बीच में ये दो एक जोड़ी हमारे बीच में है इधर देखिएगा सर थोड़ा ये जोड़ी हमारे बीच में है और अरे तुम भी आओ बाबू तो ये दोनों जोड़ी आई है आए हैं स्पेशली हमसे मिलने
और महाकाल तो मान के चलिए ये लोग यहीं पे रहते हैं, कभी भी आ सकते थे, लेकिन इनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो ये लोग हमसे मिलने आए। और ये मेरे बड़े भाई के दामाद और ये भतीजी मेरी, और मेरे साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, वो आपको मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, और काफी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं और अभी मध्य प्रदेश की तरफ से खेल रहे हैं। तो आगे आप लोगों को ले चलता हूँ वो भारत माता मंदिर। ये दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो यहाँ का दृश्य है उस दृश्य को देखने के लिए बहुतों को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। अभी कॉरिडोर बंद होने का समय हो गया है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, और अगला एपिसोड कल के चैनल में आप लोगों को दिखाया जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महादेव।